नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भैया द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक सवाल लेके लोगों के बीच पहुंचे हैं कि बाबा राम रहीम जी की समाज को इस समय कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम डायरेक्ट लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। सर आपकी क्वालिफिकेशन? मैं BA की है। सर आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हैं? मैं 1993 से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ। इतने लंबे समय से आप जुड़े हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का ये कारण है, जो यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा में हमें दिखाई देता है वो एकदम सच है, इसमें झूठ का प्रचार नहीं होता, सत्य तथ्य जोड़ा जाता है यहाँ पर। गुरु जी बाबा राम रहीम जी लोगों को सत्संग में किस तरह की शिक्षा देते थे, क्या प्रेरणा देते थे? डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत गुरु मित राम रहीम सिंह जी पूरे समाज को बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, राम नाम से जोड़ते थे और समाज की भलाई के कार्यों से जोड़ते थे, जैसे सफाई महाअभियान है या अपना शरीर दान देना है या खून दान करना है, बहुत सारे जो कार्य है मानवता भलाई के कार्य गुरु जी ने चलाए हैं वे उनसे जोड़ते थे और उनसे जुड़कर लोग आत्म शांति प्राप्त करते थे और इसी तरीके से जुड़ते चले जा रहे हैं। देश के लिए समाज के लिए बाबा जी ने क्या कुछ किया? पूरे देश के लिए जो आज की मीडिया या आज का राजनीतिक दल या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उससे भी कहीं बढ़कर हजूर पिताजी गुरु जी ने किया है, क्योंकि इतने कार्य मानवता भलाई के चलाए, अगर देश की सरकारें इस तरह के कार्य चलाए जैसे सफाई अभियान है, खूनदान है, कहीं भी हम कहीं भी रहते हैं तो अगर कोई किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो हमारी साथ संगत तुरंत वहां पर जाकर रक्तदान देती है और उनकी जान बचाती है। अगर सरकारें भी ऐसा करें तो बहुत अच्छा संदेश समाज के अंदर जाएगा। आपके अकॉर्डिंग डेरा सच्चा सौदा में बहन बेटियों के लिए किस तरह की सुरक्षा है, कैसा माहौल रहता है डेरा में? डेरा सच्चा सौदा की सुरक्षा कहने सुनने से परे की बात है, ये एक किला है। अगर हमें अपने समाज को बचाना है तो राम नाम रूपी किले के अंदर आना पड़ेगा, हजूर पिताजी भी यही कहते हैं, क्योंकि समाज के अंदर इतनी बुराई फैली हुई है, हर व्यक्ति का मन बड़ा गंदा है, बड़ी बुरी सोच है, अगर सोच को बदलना है तो सत्संग रूपी समुद्र में आना पड़ेगा। हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे डेरा और बाबा जी के बारे में? हम आप जो आम लोग हैं, जो मीडिया है या राजनीतिक दल है, जो समाज के लोग हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा सच था, सच है और सच ही रहेगा, इसे किन्हीं वजहों से राजनीतिक वजह हो या कोई भी वजह हो उससे बदनाम किया जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सच्चाई है। सब जगह आप जहाँ भी हमारे डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु है वे आज भी उसी पर अडिग खड़े हैं जो सच्चे सदगुरु की हमारे सदगुरु की शिक्षा है, उन्हीं पर हम चलते रहेंगे और चलते ही जाएंगे। जी जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।